Welcome back, friends. This is Radiance Biology Classes, and I'm Moda Sirhane. In the last video, we discussed about cardiac cycle. उसमें हमने बात की थी स्ट्रोक वॉल्यूम की, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड फाइनली कार्डियक आउटपुट. आपने देखा होगा उस वीडियो में मैंने बताया है, कार्डियक साइकिल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आरिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, ज्वाइंट डायस्टोल, टू हार्ट साउंड्स. द फर्स्ट हार्ट साउंड वॉज सिस्टोलिक साउंड, नेक्स्ट वॉज डायस्टोलिक साउंड एंड ऑल दैट. इन टूडेज वीडियो ट्यूटोरियल वी विल बी डिस्कसिंग लिटिल बिट अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड ब्लड प्रेशर. बारी बारी हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे. लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. हार्ट मसल जब सिस्टोल में आता है, मतलब हार्ट मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट मसल से जनरेट होते हैं इलेक्ट्रिक इंपल्सेस, राइट? उन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को रिकॉर्ड करना ऑन अ पीस ऑफ पेपर या रिकॉर्ड करके दिखाना, डिपिक्ट करना ऑन अ मॉनिटर, दैट रिकॉर्डिंग ऑफ दोज इलेक्ट्रिक मसल्स जनरेटेड इन द हार्ट, दैट रिकॉर्डिंग ऑफ दोज इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेटेड इन द हार्ट मसल ड्यूरिंग सिस्टोल, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, या मैं बोल सकता हूं ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ओके, तो आसान भाषा में हिंदी में बात करूं तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उन इलेक्ट्रिक इंपल्सिस का, उन इलेक्ट्रिक बूट्स का रिकॉर्डिंग है जो जनरेट होते हैं हार्ट मसल के अंदर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, राइट? ये रिकॉर्डिंग होती है बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. एक मशीन जैसा होता है ये इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इसी से रिकॉर्ड किया जाता है, इसी से रिकॉर्ड होता है इलेक्ट्रिक इंपल्सेस दैट आर जनरेटेड इन द हार्ट मसल ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल. इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और इसके अंदर लगा होता है एम्पलीफायर, राइट? होता क्या है, इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जाता है ह्यूमन बॉडी के साथ जिसका ईसीजी कराना हो, जिसके इलेक्ट्रिक इंपल्सेस का रिकॉर्डिंग कराना हो, उस इंसान की बॉडी के साथ इन इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया जाता है. चेस्ट पे अटैच किया जाता है, दोनों आर्म्स पे, हथेलियों पे अटैच किया जाता है, और दोनों लेग्स में पैर के पास अटैच किया जाता है, राइट? और दूसरी तरफ से ये इलेक्ट्रोड्स अटैच रहते हैं बॉक्स के साथ, एम्पलीफायर के साथ, राइट? ये इलेक्ट्रोड्स क्या काम करते हैं, जो हार्ट मसल के अंदर इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जनरेट होते हैं, ये इलेक्ट्रोड्स उस इलेक्ट्रिक इंपल्स को पिक करते हैं एंड दे सेंड दोज इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू द एम्पलीफायर. इज इट ओके? ये एम्पलीफायर बाद में क्या काम करता है, ये उन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को एनालाइज करता है और उनको डिपिक्ट करता है ऑन द पीस ऑफ पेपर इन अ वेवी पैटर्न. या कभी कभार इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट के साथ एक और इंस्ट्रूमेंट जोड़ा जाता है, उसका नाम है ऑसिलोस्कोप. ये ऑसिलोस्कोप इन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को रिकॉर्ड करता है और डिपिक्ट करता है इन वेवी फॉर्म ऑन अ मॉनिटर, राइट? आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा ये जो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल टूल जो डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं इन ऑर्डर टू analyze whether the heart of a patient is functioning normally or not, right? तो मैंने क्या कहा, the working principle behind this electrocardiograph or electrocardiogram is it works on the principle that contraction of muscles of the heart, contraction of heart muscle generates what? It generates electric impulses. Right? These impulses are picked up
by electrodes of the electrocardiograph. क्योंकि electrodes को हमने attach किया हुआ है इंसान की body के साथ, तो ये electric impulses pick होते हैं electrodes की वजह से. And these electrodes send these electric impulses to the amplifier of the machine. Then amplifier depicts these depiction in the form of a graph, in the form of a wavy pattern, उसी वेवी पैटर्न को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं. इज इट ओके? एम आई क्लियर? अगर हम बात करेंगे एक नॉर्मल इंसान का ईसीजी कैसा होता है, वो हम एक छोटे से ड्राइंग में दिखाएंगे. द नॉर्मल ईसीजी ऑफ अ पर्सन, द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन इज एज फॉलोस. उस ईसीजी ग्राफ का एक वेव हम दिखाएंगे. ये रही एक वेव, इस वेव का नाम हम रखते हैं वेव पी. देन अ लिटिल बिट फ्लैट, फिर थोड़ा नीचे. दिस पॉइंट हेयर इज क्यू आर एस. And finally, T. ये एक नॉर्मल इंसान का ईसीजी, मैंने एक वेव ईसीजी का एक वेव मैंने ड्रॉ किया. हियर P represents auricular depolarization. ऑरिक्यूलर डिपोलराइजेशन का मतलब यह है कि आपने, मैंने लास्ट वीडियो में कार्डियक साइकिल में बताया था, राइट ऑरिकल में एसए नोड होता है. राइट, एसए नोड इज अ पीस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जब उस एसए नोड में नर्व इंपल्स आएगा, जब वो एसए नोड एक्साइट हो जाएगा, दैट सेंड्स वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. राइट, जब उसके अंदर वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगी, तब वो वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड, इंटरनोडल पाथवे, बंडल ऑफ हेसन पुरकंजी फाइबर्स की मदद से पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. बट क्वेश्चन इज, जब ये ऐसे नोड स्टिमुलेट होगा, व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड टू जनरेट द हार्ट बीट, हाउ इट इज स्टिमुलेटेड, इसमें नर्व इम्पल्स आना चाहिए. राइट, वो नर्व इम्पल्स आपने मोस्ट प्रोबेबली नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ा होगा. नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है? नर्व इम्पल्स इज जस्ट वेव ऑफ पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन. पहले डिपोलराइजेशन होगा, बाद में रिपोलराइजेशन. वही मैंने यहां पर कहा कि ऑरिकल डिपोलराइज हो गया, मतलब ऑरिक्यूलर वॉल्स के अंदर जितने भी नर्व फाइबर्स अटैच हैं उनमें डिपोलराइजेशन आ गया. क्यों आ गया डिपोलराइजेशन? ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ द साइनो एट्रियल नोड. राइट, अगर डिपोलराइजेशन आ गया, साइनो एट्रियल नोड वेव ऑफ कॉन्ट्रेक्शन सेंड किया, तो मतलब ऑरिकल सिस्टोल में आ गया. So I can also represent, I can also draw here, it is auricular systole. Systole भी बोल सकते हैं, मतलब depolarization का मतलब है systole. Auricle systole में आ गया. Then यहां पर हमारे पास QRS complex है. Right? This is QRS complex. This QRS complex represents ventricular depolarization. Again, depolarization मैंने कहा तो मतलब it is ventricular systole. We can also write ventricular systole. फिर आती है टी वेव. व्हाट इज दिस टी वेव? दिस टी वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन.
वेंट्रिक्यूलर रिपोलराइजेशन, मतलब डायस्टोल, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। इन तीन मेन वेव्स के अलावा इसमें दो चीजें और भी मेंशन की गई हैं। एक ये यहां से यहां तक, इट इज नोन एज पी आर इंटरवल। व्हाट इज दिस पी आर इंटरवल, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इंपल्स टू ट्रेवल थ्रू एट्रिया, टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन इंपल्स टू ट्रैवल थ्रू एट्रिया एवी नोड बंडल ऑफ हिस पोर्कंजी फाइबर्स एटसेट्रा टू रीच द वेंट्रिकल्स। राइट, हमने पिछले वीडियो में आपको बोला था हार्ट के सारे चैम्बर्स एक साथ सिस्टोल में नहीं आते, पहले ऑरिक्यूलर सिस्टोल होगा, ऑरिक्यूलर सिस्टोल के कुछ ब्रीफ पीरियड के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल में आएंगे। क्यों? क्योंकि ऑरिक्यूलर सिस्टोल जब हुआ तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल तक पहुंचने में हल्का सा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज दैट वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हैज टू ट्रेवल थ्रू एवी नोड, दैट हैज टू ट्रेवल थ्रू बंडल ऑफ हिस एंड पोर्कंजी फाइबर्स। जब ये पूरा टाइम स्पैन हो जाएगा, जब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये सारे रास्ते क्रॉस करके वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, तब जाके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। और वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल बड़ा सा वेव जनरेट करेगा, जिसको हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नाम रखा है। अब सवाल यह है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल वाला वेव बड़ा क्यों है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल वाला वेव छोटा क्यों? इट इज बिकॉज वेंट्रिक्यूलर वॉल इज वेरी मस्क्यूलर, वेंट्रिकल्स के वॉल्स बहुत ज्यादा मस्क्यूलर होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दे विल कॉन्ट्रैक्ट वेरी हार्शली, दे विल कॉन्ट्रैक्ट इन अ वेरी हार्श मैनर। इन कंपेरिजन ऑरिक्यूलर सिस्टोल की वेव छोटी होती है बिकॉज ऑरिक्यूलर वॉल्स आर नॉट दैट मच मस्क्यूलर। ये भी क्वेश्चन है कि वेंट्रिक्यूलर वॉल ज्यादा मस्क्यूलर क्यों होते हैं? आप अगर हार्ट का सर्कुलेशन पाथवे देखेंगे तो वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करना है कहां? राइट वेंट्रिकल सप्लाइज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाइज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। मतलब वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करना है आउट ऑफ द हार्ट, बहुत दूर डिस्टेंस है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन वाला फोर्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। इन कंपैरिजन अगर ऑरिकल्स की बात करें, ऑरिकल्स का वॉल लेस मस्क्यूलर होता है। क्यों? क्योंकि ऑरिकल्स को ब्लड पुश करना होता है टू द नियर बाय वेंट्रिकल्स, उसमें ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द रीजन दैट ऑरिक्यूलर वॉल्स आर नॉट दैट मच मस्क्यूलर एज कंपेयर टू द वेंट्रिक्यूलर वॉल्स। ओके, बिकॉज ऑफ हाईली मस्क्यूलर वॉल्स इन द वेंट्रिकल्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेव इज वेरी स्टीप। इसके बाद आएगा एक और इंटरवल, दैट इंटरवल इज नोन एज क्यूटी इंटरवल, यहां से लेके टी वेव, दिस इज क्यूटी इंटरवल। व्हाट इज दिस क्यूटी इंटरवल, व्हाट डज इट सिग्निफाई? दिस क्यूटी इंटरवल इट सिग्निफाइज, सॉरी एसटी इंटरवल, ST interval, what does it signify? It is a time when ventricular fibers are fully depolarized. Time when ventricular fibers are fully depolarized. ओके, नॉर्मल इंसान का ये ईसीजी है, इसमें आप देख सकते हैं एक ईसीजी वेव में एक बड़ा सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। अब डॉक्टर के पास यही पेपर आया, उस पेपर पे यही पैटर्न है कंटिन्यूअसली दिस वेव, वो डॉक्टर इस
पैटर्न में देखता क्या है, वो बहुत सारी चीजें देखते हैं. सबसे पहली बात वो देखेगा QRS कॉम्प्लेक्स. ही विल काउंट द QRS कॉम्प्लेक्सेस. हम QRS कॉम्प्लेक्सेस काउंट करेंगे. बाय काउंटिंग द QRS कॉम्प्लेक्सेस वी कैन डिड्यूस, वी कैन इवेल्युएट द रेट ऑफ द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन. और एक बात, इसका शेप आपने देखा, शेप पिक्यूलियर शेप है. अगर इस वेव के, इस ECG वेव के शेप में ऊपर नीचे हुआ, मतलब पी वेव जितना ऊपर तक होना चाहिए उतना ऊपर है ही नहीं, ये नीचे है. क्यू पॉइंट बहुत ज्यादा नीचे है. QRS कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टीप नहीं है, बहुत नीचे है या ज्यादा ऊपर है. टी वेव फ्लैट है. अगर शेप में कोई चेंज आ गया तो डॉक्टर इमीडिएटली कैलकुलेट्स, इमीडिएटली डिड्यूसेस दैट बंदे का हार्ट सही से काम कर नहीं रहा है, और वो इस डायग्नोसिस के साथ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा. ओके, हमारा आज के वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज ब्लड प्रेशर. लेट मी रब दिस. ब्लड प्रेशर, या मोर स्पेसिफिकली इट इज नोन एज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर. व्हाई आर्टीरियल ब्लड प्रेशर? क्योंकि ये वो प्रेशर है, इट इज दैट प्रेशर, इट इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड विच इज फ्लोइंग इन द आर्टरीज. सिंपल, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर. क्या मैंने बोला? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ द ब्लड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड फ्लोइंग इन the arteries on their walls, right? आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड आर्टीरियल वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दैट प्रेशर इज नोन एज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर. दिस ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर. इज इट ओके? हाँ, दूसरी बात यह है कि दिस ब्लड प्रेशर हैज टू कॉम्पोनेंट्स. क्या मैं बोलूंगा? इट इज मेजर्ड इन टू स्टेजेस. फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर, राइट? सिस्टोलिक प्रेशर मतलब आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट ब्लड एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज व्हेन द वेंट्रिकल्स आर इन सिस्टोल, राइट? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टीरियल वॉल्स, ऑन द आर्टीरियल वॉल्स व्हेन ventricles are in systole, when ventricles are in systole. मैंने ventricles क्यों लिखा? Because arteries arise from the ventricles, right? Ventricle से arise होती है pulmonary arc, उसी से दो branches निकलते हैं pulmonary arteries, और left ventricle से arise होती है systemic arc और aorta, उसी से बहुत सारी arteries arise होती है, right? नॉर्मल इंसान में इसका वैल्यू होता है 120 mm ऑफ HG. इट्स अ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द आर्टीरियल वॉल्स. प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है? ब्लड जो आर्टरीज के अंदर फ्लड फ्लो हो रहा है. Pressure on the arterial walls by blood flowing in them, by blood flowing in them when ventricles are in diastole, ventricles are in diastole.
नॉर्मल इंसान में इसका वैल्यू होता है 80 mm of Hg. इज इट ओके? ये ब्लड प्रेशर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर इज द एज, दूसरा फैक्टर इज एक्सरसाइज, थर्ड फैक्टर इज सेक्स, मेल है या फीमेल. इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं. हम कुछ फैक्टर्स को यहां पर मेंशन करेंगे, राइट? फैक्टर्स ऑन विच दिस ब्लड प्रेशर डिपेंड्स, या मैं बोलूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर. लेट अस मेंशन द फर्स्ट वन हियर, दैट इज एक्सरसाइज. एक इंसान, नॉर्मल इंसान जब एक्सरसाइज करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी बॉडी में ज्यादा ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए. एनर्जी ज्यादा तब आएगी जब इसकी बॉडी में ब्लड बहुत जल्दी फ्लो करेगा, और जल्दी ब्लड फ्लो तब करेगा जब ब्लड ज्यादा प्रेशर से वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा. सो विद एक्सरसाइज या एक्सरसाइज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. दूसरा फैक्टर मैं लिखूं, इमोशंस एंड एक्साइटमेंट. इमोशंस एंड एक्साइटमेंट. लेट मी टेल यू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. व्हेन एवर इमोशंस आर इंकल्केटेड इन आवर बॉडीज, एक्साइटमेंट होती है, इमोशंस होते हैं, फेयर होता है, जॉय होता है, उस वक्त हमारे एड्रेनल मेडुला से कुछ हार्मोन निकलता है. दैट हार्मोन इज नोन एज एड्रेनलिन. और एड्रेनलिन हमेशा मैक्सिमम फंक्शंस बॉडी में इंक्रीज कराता है. तो जाहिर सी बात है इमोशंस एंड एक्साइटमेंट्स विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम बोलते ही हैं जो एड्रेनलिन है दैट इज एन इमरजेंसी हार्मोन, वो इन इमरजेंसी में सिचुएशंस में काम करेगा. इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक सिचुएशंस ऑफ जॉय, सॉरो, फेयर, एंथुसियाज्म, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन इमोशंस एंड एक्साइटमेंट कैटेगरी, राइट? तब ये हार्मोन रिलीज होगा, ये इंसान को तैयार करेगा इन सिचुएशन से लड़ने के लिए. ये हार्मोन इन सिचुएशंस, इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए इंसान को तैयार करेगा. तैयार करना मतलब ब्लड फ्लो विल ऑकर इन अ रश, एंड दैट रश ऑफ द ब्लड फ्लो विल ऑकर ओनली इफ द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड. देन थर्ड वन इज, मैं एज मेंशन करूंगा. विद द इंक्रीज इन एज ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर, राइट? नेक्स्ट फैक्टर इज ओबेसिटी. देखा गया है कि जो ओबेस पर्सन होते हैं उनका ब्लड प्रेशर अक्सर ज्यादा होता है. ओबेसिटी, ओबेस पर्सन हैव कंपेरेटिवली हाई ब्लड प्रेशर, राइट? मैं नेक्स्ट फैक्टर मेंशन करना चाहूंगा, फिफ्थ वन इज सेक्स. वेमेन हैव स्लाइटली हायर ब्लड प्रेशर देन मेन, सॉरी, वेमेन हैव स्लाइटली लोअर ब्लड प्रेशर देन मेन. Women slightly low blood pressure than men. Is it okay? Body posture. Next one. Body posture. हमारी body का posture भी determine करता है blood pressure कितना कैसा होगा हमारी body में. जब हम आराम से लेटे रहते हैं in a lying position, in a relaxing position, lying position, the blood pressure is low. लेकिन जब हम standing position में होते हैं तब comparatively blood pressure ज्यादा होता है, right? इस blood pressure में, normal blood pressure में ऊपर नीचे हुआ तो we will suffer from disorders, diseases like high blood pressure, higher than a certain limit will रिजल्ट इन hypertension. Hypertension में क्या क्या चीजें होती है. देन लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर वैल्यू लोअर देन अ सर्टन लिमिट रिजल्ट इन hypertension. और भी कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं
वी विल डिस्कस दोज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज अलॉन्ग विद हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.